यदि आपको भी शाम जैसे ही ढलता है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा बढ़ता है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में अगर दिखाई नहीं देता है रात में, रतौंधी की शिकायत है, तो आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के ठीक हो पाएंगे, मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह अपनी चैनल डॉक्टर प्रमोद सिंह में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो रतौंधी है ये बहुत ही काफी मात्रा में बढ़ता ही जा रहा है, और क्या कहा जाए इसके बारे में। पहले मैं रतौंधी के बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं। रतौंधी एक आंख की ऐसी बीमारी है जो दिन में तो बिल्कुल अस्पष्ट दिखता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है, शाम ढलता है, अंधेरा होता है, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। या ऐसे समझिए कि रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, या कुछ कुछ धुंधला सा दिखाई देता है, तो इसे ही हम रतौंधी कहते हैं। अब हम लोग रतौंधी को कौन सा मेडिसिन लेकर के, कैसा सिम्टम है तो कौन सा मेडिसिन लेकर के ठीक हो सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो मैं इसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों से कैडमियम सल्फ के बारे में बात करूंगा। यह एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। कैडमियम सल्फ का सिम्टम यह है कि कैडमियम सल्फ के रोगी का एक आंख की जो पुतली है बिल्कुल फैल जाता है, और इसका रोगी जब रात में सोता है तो आधी आंख खुला रहता है। अगर दूसरे लोग जाकर इसको देखेंगे कि यह सो गया है कि जग रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि यह सोया नहीं, जग रहा है, लेकिन कैडमियम सल्फ का जो रोगी है वह ऐसे ही सोता है। उसका जो आंख है आधी पलक गिरा रहता है और आधी पलक उठा रहता है। तो और रोगी बहुत ही गहरी नींद में रहता है। और एक बात और है, कैडमियम सल्फ का जो रोगी है जब बिल्कुल ही गहरी नींद में रहता है तो उस स्थिति में उसका जो दम है घुटने से मालूम होता है, और वह हड़बड़ा करके जग जाता है। अगर ये सब सारी सिम्टम है तो कैडमियम सल्फ मेडिसिन लेकर के आप ठीक हो सकते हैं। दूसरा मेडिसिन है चाइना। चाइना का सिम्टम यह है कि जब रोगी अपने औषधि के माध्यम से क्यूनाइन का मात्रा बहुत ही ज्यादा ले लेता है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, या शरीर से रस, रक्त, वीर्य क्षय होकर के भी उसे कमजोरी आ जाती है, और उस स्थिति में रोगी के आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और उसके आंखों के आगे आग की चिंगारियां उड़ती हुई दिखाई देती है। अगर ये सब सारे सिम्टम है
तो आप चाइना मेडिसिन लेकर के ठीक हो सकते हैं। अगला मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का सिम्टम यह है कि अंधेरा होने के बाद से ही रोगी को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। रोगी को ऐसा लगता है कि आंख के थोड़ी दूर के बाद ही कुछ वहां पर है, लेकिन वैसा होता नहीं है। उसके आंखों के आगे हल्का अंधेरा सा कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है और रोगी भ्रम जाल में पड़ जाते हैं। तो रोगी का ऐसा सिम्टम सामने उभर के आता है तो वह लाइकोपोडियम का रोगी है और वह लाइकोपोडियम मेडिसिन लेकर के ठीक हो सकता है। अगला मेडिसिन है हाइसोस्टिग्मा में अंधेरा होते ही दूर की चीज तो बिल्कुल दिखाई देता ही नहीं है और जो पास की चीज है ये भी बिल्कुल पास आए बिना नहीं दिखता है। यानी कि जब बिल्कुल रोगी के आंखों के नजदीक उस चीज को लाया जाए या रोगी स्वयं चल के जाए तब वह कुछ धुंधला धुंधला दिखता है और हाइसोस्टिग्मा के रोगी के आंखों के आगे नाना प्रकार के भिन्न भिन्न के रंग उड़ते हुए दिखाई देता है। तो ये सब ऐसे सिम्टम उभर करके सामने आ रहा है तो रोगी हाइसोस्टिग्मा मेडिसिन लेकर के ठीक हो सकता है। अब मैं आप लोगों को आंखों के बीमारी में कौन सा खाद्य पदार्थ लिया जाए कि कुछ आंखों की रोशनी बढ़ाया जा सके इसके बारे में बताऊंगा। और एक मैं होम्योपैथिक ड्रॉप के बारे में भी बताऊंगा अभी, जो कि लेने के बाद में आंखों में डालने के बाद में बहुत हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। जब आपको रतौंधी लग ही गया है तो आप टमाटर सलाद के रूप में ले सकते हैं या टमाटर का जूस पी सकते हैं, हो सके तो आंवला और मिश्री का चूर्ण बना ले और शाम को सोते वक्त अगर उसकी जो मात्रा है दूध के साथ में लेंगे तो भी रतौंधी पर बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। और साथ ही हरी साग, पालक, बथुआ, मेथी का भी खाद्य पदार्थ में हम प्रयोग करेंगे तो भी रतौंधी को हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं आपको एक होम्योपैथिक आई ड्रॉप के बारे में बता रहा हूँ, उसका नाम है सिनेरिया मारिटीमा। ये चाहे तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। उसको सुबह, दोपहर, शाम में दो दो बूंद की मात्रा में डालेंगे तो भी बहुत हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। और मेडिसिन तो आपको बता दिया, पावर के बारे में जान लीजिए। ये जितने भी होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने अभी आपको बताया हूँ उस सभी मेडिसिन का पावर 30 रहेगा। और 30 जो मेडिसिन है इसको सुबह, दोपहर, शाम तीन टाइम 2 से 3 बूंद की मात्रा में लेना है। अगर कुछ दिन तक हम इस मेडिसिन का प्रयोग करें और जो खाद्य पदार्थ हैं हम लेते रहें तो जो हमारा रतौंधी का बीमारी है यह अपने आप ही बिल्कुल ठीक हो सकता है। यह और कुछ नहीं है बल्कि हमारे भेषज रक्त रस शरीर से क्षय होने के वजह से आया हुआ है। और जैसे ही हमारा शरीर जब खाद्य पदार्थ हम लेंगे तो ये सारी पूर्ति हमारा शरीर स्वयं कर लेगा और हमारी आंखों की जो रोशनी है स्वयं ही लौट आएगी। तो दोस्तों यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही रोचक
एक वीडियो लेकर के मैं आप लोगों से फिर दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।